एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे आपसे। अगर ऊपर वाले ने दिए हुए रंग से, स्किन के रंग से आप खुश नहीं हो और अगर थोड़ा काला होना चाहते हो, तो मैं एक निंजा टेक्निक बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मुंबई में घर ले लो। मुंबई में घर लेने के बाद जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, मुंबई में आके रहने लग जाओ उस घर में। उससे अगर आप काले नहीं होते हो या फिर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो मई के महीने में, अप्रैल में और जून के महीने में दोपहर को 1 बजे बाहर निकलो। उससे भी अगर काले होने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, काले रंग का सैंडो पहनकर दोपहर को बाहर निकलिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है? स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो कि जितना काला होना चाहते हो आप हो सकते हो इस निंजा टेक्निक से। क्या लड़के, कहाँ हो? हफ्ते भर की छुट्टी, ऑफिस में मिलती है आपको इतनी छुट्टी? हैं, बॉस देगा आपको इतनी छुट्टी? किधर है ब्लॉग्स का है? क्या 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 बोलती है मेरी पब्लिक? यस, गिल्टी एज चार्ज्ड। पिछला ब्लॉग जो है वो आया था एक हफ्ते पहले, शायद 5-6 दिन पहले तो आया था एटलीस्ट। एंड उसके बाद में जो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट की थी, भाई ब्लॉग्स तो डालूंगा, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में डालूंगा, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में डालूंगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया मैं, अब वो भी स्टार्ट में ही हो गया, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और अब मैं कुछ भी बोलूँगा दैट विल बी काउंटेड एज एन एक्सक्यूज, और एक्सक्यूजेज हैं भाई, ठीक है? नहीं उतर पाया खुद की कमिटमेंट पे। सलमान खान तो हूँ नहीं कि कमिटमेंट पे उतरना ही है, लेकिन हाउएवर ब्लॉग तो बनाना था, तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और पिछले 4-5 दिनों में थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा था और थोड़ा सेल्फ डाउट वाला सीन चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने शूट किया था, पर एडिट करते वक्त मुझे लगा कि यार कुछ स्टोरी वोरी है नहीं। कितना भी म्यूज़िक डाल दो, कितने भी फ़नी बिट्स डाल दो, जो बाद में रिकॉर्ड करके बीच में कुछ फ़नी कमेंट्स डाल रहा हूँ वो डाल दो, बट कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला बट दैट इज़ नॉट राइट, नॉट राइट एज इन बेनिफिशियल तो नहीं है। मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार ऐसा सीन हो रहा है, तो दोस्त ने बोला कि तू सोच ही मत, मतलब बिल्कुल मत सोच इस चीज़ के बारे में, बस बनाते रह बनाते रह, कैसा बन रहा है, क्यों बन रहा है, उस चीज़ के बारे में। तो वेरी गुड एडवाइस एट द वेरी राइट टाइम। तो अभी मेरे को जो है थोड़े से ईमेल्स भेज दें, तो आ जाओ अंदर, आ जाओ, यहाँ बैठ के तो नहीं भेज पाए, आ जाओ। कोरोना का पता नहीं, गर्मी से तो पक्का मर रहा हूँ मैं, कन्फर्म। तो मेरी फ्रेंड की एडवाइस की बात करते हुए मेरे को लगा कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मतलब व्लॉग के पहले थोड़ा सोच सकता हूँ कि व्लॉग कैसे बनाना है, बनाते वक्त थोड़ा और सोच सकता हूँ कि क्या बातें करनी है क्या बातें नहीं करनी है, लेकिन बनाने के बाद मैं थोड़ा सा व्लॉग देख लेता हूँ, फिर कितने व्यूज मिले वो देख लेता हूँ, और फिर जो है मेरा सेल्फ डाउटिंग वाला सेशन चालू हो जाता है, एंड दैट नीड्स टू स्टॉप। ये देखो भाई, सच्चाई तो ये है कि अभी तो लॉकडाउन है, आप घर के बाहर निकल नहीं सकते, कुछ स्टोरीज जो है आप बता नहीं सकते, कुछ चीज़ें जो है आप दिखा नहीं सकते, ये घर के अंदर जो दिखा सकते हो दिखाओ, जो चीज़ें बता सकते हो बताओ, और कंटेंट को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो बनाओ, तो खुद को फालतू का पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया ये जो एडवाइस या जो कन्वर्सेशन है, इसको मद्देनज़र रखते हुए रोज कुछ ना कुछ सोचेंगे कि क्या बनाया जाए, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी जो है मैं जाऊंगा अपनी नानी के घर पे, नानी को मिलने, क्योंकि नानी की तबीयत थोड़ी सी इधर उधर है, एंड आई एम अ वेरी गुड बॉय, और अच्छा अच्छा हूँ मैं, तो मैं नानी को जाऊंगा मिलने के लिए ऐसी कड़कती धूप में। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ हाथ धो लें, गर्मी से बच सके ना बचने, मेरे व्लॉग्स देखने अगर आपको आगे, बहुत ही जो व्लॉग्स बनाने वाला हूँ
उसके लिए गर्मी से तो बचना पड़ेगा, पंखा वंखा लगा के गर्मी से बच के रहें। पसीना देख रहे लड़के के चेहरे पे।